क्या हो रही बारिश? चलो भीग गया है पूरी गाली ना मैं ना तेरी बारिश में जड डर गया। तो फ्रेंड्स होने लगी है बारिश और बारिश है आज 80%। शाम के 3 बजे से ज़्यादा बता रखी थी और एक बज चुका है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, सुबह सुबह आ गई बंदर और ले गए हैं आदि की चप्पल, और तब तक इसको रोटी नहीं मिलेगी तब तक ये जाएगा नहीं। तो इसके लिए रोटी लेने के लिए गए हैं और इसको रोटी देंगे तब ये चप्पल दे के चला जाएगा। तो देखिएगा रोटी फेंक दी है इसको और देखो कैसे घूर रहा है और चप्पल छोड़ के जा चुका है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स सुबह का टाइम है और आज है चैती अमावस्या। तो फ्रेंड्स हम बनाएंगे आज खाने में खीर और पत्ता गोभी और रोटियां। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारी वीडियो में अंत तक। तो फ्रेंड्स चलिएगा, मैं चलती हूँ सबसे पहले किचन में और बना लेती हूँ खीर और पत्ता गोभी। और वंदना को लगी है गाड़ी से खेलने की जिद और मैं वंदना को दे देती हूँ गाड़ी और उसमें वंदना के लिए बांधना है मुझे हाथी, और वंदना हाथी बंधवा लेगी अपनी गाड़ी में और तब खेलेगी। तो ये बंधवा लिया इसने हाथी गाड़ी में पीछे और अब इससे खेलने लगी है ये। और तब तक मैं किचन में खाना बना लूँगी वरना ये मुझे परेशान करती रहती है बार बार। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल और अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज और पत्ता गोभी को मैंने कर लिया है कट। तो मैंने इसमें डाल दी है प्याज, तब तक हमारा प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। और ये है टमाटर और इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी नमक। ये डाल दिया मैंने इसमें हल्दी और ये है मिर्च और नमक। और इधर रख रखी है मैंने खीर बनने के लिए। तो खीर तो हमारी लगभग ही बन चुकी है, बस थोड़ी सी प्रेशर बाकी है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच जीरा और ये काट दिया मैंने पत्ता गोभी और धोकर भी रख दिया है। और अब मैं इसको छोड़ दूंगी। ना बार 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 बारिश आ रही है इसलिए आज मैं खाना गैस पर बना रही हूँ और कुकर में खीर बना रही हूँ। इसलिए चिल्ले पर तो अच्छी लगेगा, कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बाहर चूल्हा जलाने की दिक्कत हो रही, बार बार बूंद आ जा और बार बार बावली आती है, तो इसलिए खीर किया है। तो तब तक हमारा चौंक भी तैयार हो जाएगा और मैं काट लेती हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च काटने में भूल गई थी। माँ को दिखाता हूँ, जाओ जय माँ को दिखाता हूँ। माँ मेरे हाथ में क्या गिर गया देखियो।
तो प्याज भी हमारी अच्छे से हो चुके हैं और जीरा भी अब मैं डाल देती हूँ उसमें, टमाटर तो टमाटर का छौंक हमारा हो चुका है तैयार और मैं इसमें डाल देती हूँ पत्ता गोभी। तो ये देखिए तो फ्रेंड्स अभी कुकर हमारी हो चुकी है तैयार और मैं इसको देती हूँ ढक और तब तक मैं गूंद लूँगी आटा और तब तक हमारी सब्जी बन जाएगी और खीर में मैं डाल दूँगी मीठा तो हमारी खीर भी बन गई है। देखिए तो ये देखिएगा फ्रेंड्स अब मैं करूँगी पूजा, खाना बना के आ चुकी हूँ मैं पूजा करने के लिए और उसके बाद में मुझे सेकनी है वंदना के डैडी के लिए रोटी क्योंकि वे जाएंगे गन्ने भरने के लिए। तो मैंने दिया लगा दिया है और धूपबत्ती भी और धूप भी उठा दिया और अब मैं लगाऊँगी भोग और भोग लगाने के बाद में मैं जाऊँगी गाय को खिलाने के लिए ये खाना। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही पूजा की जाती है, वो किसी की इच्छा होती है जो कन्याओं को जिमाना चाहते हैं लेकिन मैं कन्याओं को तो नहीं जिमा रही हूँ और अपने घर पे ही सिंपल से तरीके से पूजा कर लेंगे चैती अमावस्या की। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही की जाती है। तो अब आ गए हैं हम गाय को खाना खिलाने के लिए और हमारी गाय ना बहुत शरारत करती है, हनी और बालों को सबसे ज़्यादा शरारत करती है, इतनी काली वाली नहीं करती, इन्हें देख के ये भी तेज हो रही पूरी। देखिएगा फ्रेंड्स पूजा करने के बाद में मैंने लगा लिया है वंदना के डैडी का खाना और अब मैं खाएंगे खाना। तो ये देखिएगा ये पत्ता गोभी और ये खीर और ये मट्ठा है और ये रोटियां। चलिएगा फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप लोग भी खाना खा लीजिएगा और कमेंट्स कर जरूर बताइएगा पत्ता गोभी और खीर कैसी बनी।